10 साल में विकास नहीं हुआ अब क्या होगा? जो विकास कांग्रेस राज में हुआ है 2014 में वो आज तक नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। बीजेपी का एक मिनट लिसेंट, सभी लोग सुनो, बीजेपी ने पता क्या है उल्टी काली कर दी है, विनाश का नाम विकास रख दिया है। आज 9 सालों के अंदर जितना विनाश हुआ ना, देश बर्बाद हुआ उतना कभी नहीं हुआ। महंगाई बेरोजगारी पहले जब बात कर रहे हैं विकास हो रहा है, कौन सा विकास हो रहा है? हमें मिलो उस विकास से, हम भी ढूंढ रहे दिल तो नहीं। कौन छपाएगा? देखो बिगा दिखाते हैं, चलो मेरे गांव में बिगा दिखाते हैं, बिगा कर रहे हुआ। अच्छा हाँ, 10-20 साल पहले सड़क नहीं थी आरसीबी के लिए, हाँ क्या करते हो? विकास नहीं हुआ, सड़क नहीं थी, सड़क नहीं आरसीबी के लिए, हवा में उड़ के आते थे। कौन? पहले कच्चे रहते में, कच्ची रहते में, आज में चादर भरा था गली में, आरसीबी गली है पूरे गाँव में। और छोड़ो, देखो पुराने मकान देश पे कर्जा ही रहेगा, देश पे कर्जा। मोदी ने कांग्रेस नहीं था, अभी कितने मुझे क्या पता, लेकिन सरकार मोदी की है, मोदी की रहेगी। जब पता नहीं है फैक्ट, पता नहीं है पढ़ाई की नहीं है, कहाँ आ जाते हैं? कांग्रेस सरकार में नहीं था, 55 लाख करोड़ का था, ठीक है, अब 156 लाख करोड़। पता कितने जीरो होते हैं 156 लाख? क्या हो गया? क्या कांग्रेस सरकार में नहीं था? कांग्रेस सरकार में तब नहीं था? इसका जवाब देखो, अभी कोरोना आया था, ठीक है, 18 करोड़ वैक्सीन जो लगाई गई, ठीक है, उसके ऊपर भी खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, दूसरी बात में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जितने अब ये भाई साहब को विकास नहीं दिख रहा। 18,000 गांवों में बिजली लगाई है, 18 एम्स दिए, ये किसके पैसे? एम्स बन रहे हैं, 18 एम्स बन रहे, हर स्टेट में एक बनेगा, बन रहे हैं। मैडम देखो, 3-4 तो उद्घाटन कर भी दिया है मैडम, जमीन का उद्घाटन कर देंगे और बोल देंगे कि नहीं, मतलब उनका उद्घाटन हो चुका है मैडम, एम्स आप देखिए ना, दरभंगा में नजर आएगा मैडम, स्टार्टिंग तो होगी बाल में, दुर्गावती रेलवे मैडम। मैं आपकी बात सहमत हूँ, मगर एक बात समझिए, जो मेरे पास जो जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना ही बात करूँगा, ठीक है? क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मोदी जी इनको 15 लाख दे दिए तो ये बोलेंगे ही बोलेंगे, रोजगार के बारे में कर्जा कितना हो गया बोलते हैं, राशन बांट रहे, अगला सरकार बोलता है तो फ्री की लेबड़ी बांटते, ये जो राशन 80 करोड़ को दे रहे थे ये फ्री की नहीं बांट रहे, और बेरोजगार नहीं बना रहे, कंगाल नहीं बोल रहे, कंगाल नहीं बना रही है, इतना कर्जा कर दिए हैं, इनसे सवाल पूछिए ना इससे कितना कर्जा हो गया, कर्जा पता नहीं, खाली भोकने से होगा। एक मिनट भैया, इससे पहले मेरा देश वर्ल्ड लेवल पे कहाँ था, वर्ल्ड लेवल पे कहाँ था, आज भारत कहाँ पे खड़ा हुआ ये लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ महंगाई भ्रष्टाचार देख रहे हैं। इससे पहले मेरा देश आज के डेट में देखिए तीसरे स्थान में पहुंचा हुआ है, वर्ल्ड में मोदी जी का सम्मान हो रहा है। आज भी हमारे देश में बेरोजगारी कौन से राज्य में है? यूपी बिहार है, हरियाणा है, हरियाणा ये नहीं पता, कर्जा कितना है, कर्जा कितना है, अब कर्जा मालूम ये आपको नहीं पता, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी कितनी है हमारे देश में, ऐसा आपको ये नहीं पता है जी? आपको पता क्या? मुझे ये पता है कि आज के दिन में जो विश्व लेवल पे मेरा सम्मान मिल रहा है मोदी जी के पहले तो यही मिल रहा है, ये पता है, वो आएगा जरूर आएगा। और कर्जा अभी 9 साल में ही नहीं हुआ, कर्जा 9 साल से ही नहीं हुआ है। आप कर्जे की बोल रहे हो, 56 लाख करोड़ है, इंडिया का एफडीआई ऑल टाइम हाई पे भी $600 बिलियन, और वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। सुना ये जो नारे लगाते हैं लोग, इनको सोच के क्या कहेंगे? नहीं, नारे तो उनकी अपनी है, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो तो सब तो मंदिर में लगाए ना जाके, यहाँ क्यों लगाते हैं? तो हम भारत माता की जय खड़े नहीं बोल सकते? भारत माता की नहीं, भारत माता की जय मैं खुद नहीं, अपने अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने सबका अधिकार है, अपने मूल का मौलिक कर्तव्य भी है, कहीं भी लोग वहाँ रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ते हैं, वहाँ तो आप लोग नहीं जाते, क्या नमाज क्यों पढ़ रहे आप? मैडम मैं ये जानता हूँ टीम इंडिया के आ गए ना, बीजेपी जो है बौखला गई है, ये जो है ये अनभक जो है ना, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, देश का जो है ना भविष्य 10 सालों को ना बिगड़ चुका है, ना विकास हुआ है, ना रोजगार, ना महंगाई, ना गरीबी, इस चीज से इन्हें निकाल नहीं पाई बीजेपी, बुखलाई भी है, और ये जो है बुखलाई में टीम इंडिया के, और 2024 में राहुल गांधी आ रही है नेक्स्ट पीएम। बाकी आप अभी ये कह रहे भाई अंकल जी कह रहे हैं हमारे कि बाकी सब बौखला गया, बौखला तो बाकी पार्टी गई है,
बौखला तो सारी पार्टी देखो बौखला सारी पार्टी गई है, सारे सारे एक एक हुए हैं, उनका एक ही मोटिव है सिर्फ बीजेपी को रहा हूँ। क्यों भाई, पहले आपस में देखो सपा बसपा, सपा बसपा जितनी भी पार्टी थी सब छोटे छोटे दल थे, वो आपस में लड़ते थे, वो आपस में लड़ते थे, आज साथ एक होकर के मिल लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं वो, क्योंकि मोदी ने यही किया है, ठीक है, उनका विकास नहीं हो पाया, वो अपना विकास करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, वो अपना विकास करने के लिए एक अकेला शेर सब पे भारी, एक अकेला शेर सब पे भारी, एक अकेला शेर, आज एक अकेले शेर को 36 पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो मैडम, 36 पार्टी की जरूरत नहीं पड़ रही, 36 पार्टी आपस में एकजुट होकर के, देखो वो भी एकजुट हो गई है, बीजेपी ने किसी को नहीं बुलाया है, अगर बीजेपी ने ही सबको बुलाया है, बीजेपी ने किसी को अपने बीजेपी ने ही सब कुछ बुलाया है मैडम, छोटे छोटे दल अपने आप स्वयं आकर के उनके साथ मिल रहे हैं, ठीक है ना, आपने रिकॉर्ड पढ़ के आइए, एनडीए की मीटिंग में बीजेपी ने ही सबको नोटिस इनविटेशन भेजा था, वो चाहते हैं ना, अगर वो एग्री आपस में साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो भी एक गुट है, ये भी एक गुट है, एनडीए और यूपीए पहले भी तो लड़ा है, एनडीए और यूपीए पहले भी, ये कह रहे हैं कि जो एक अकेला शेर सब पे भारी, भैया मार्केट में क्या चल रहा है वो दिखाना चाहिए, उसमें अमिताभ बच्चन को खांसी हो गई, फलाने को ये हो गया, वो छोटी छोटी चीजें दिखाना, बिल्कुल एक तकनीकी बात कह रही सही है कि हमें मीडिया बिका हुआ, सीधी सी बात है, जो आदमी पर्दे में रहेगा वो अपनी चलाएगा, जो दिखेगा जनता को, जो दिखेगा ना जनता को वही समझेगी, लेकिन मोदी ने बिल्कुल सही बात है, मोदी ने एक लहर बना रखी है, काम बेसक उतना ना हो लेकिन एक लहर बना रखी है, आपने देखा होगा बहुत से स्टेट में बीजेपी हारी है, लेकिन लहर जब भी आदमी लोगे मोदी को देंगे, ये मीडिया मीडिया की वजह से एक लहर बना रखी है, काम मैं कह रहा हूँ काम करे हैं, काम बीजेपी ने करे हैं, राम मंदिर वाला जाकर सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसमें टैक्स की बात करें, बहुत से ऐसे भाई बहन बंदे मुंबई वाले हमारे मध्य प्रदेश में महाकाल लोक बनाया, हमारे मध्य प्रदेश में सरकार ने बहुत गाँव में महाकाल लोक बनाया, पर करप्शन के कारण अरे शांत हो यार, हवा आंधी आई थी, एक साल तक करोड़ों अरबों रुपए का महाकाल लोक चंद मिनटों की हवाओं में बिगड़ कर टूट गया, ये हमारी सरकार है मध्य प्रदेश, बिल्कुल वो पूरी करप्ट सरकार है, वहाँ की सरकार ने महाकाल की नगरी महाकाल लोक बनाया, महाकाल लोक भी पूरा करप्शन से बना हुआ है, उसमें महाकाल लोक में जो वो लिखा हुआ भैया काम हुआ है, पर सब करप्शन के हमारे में पटवारी बन जाते हैं, दो पंद्रह लाख रूपए पटवारी।